झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास का सरायकेला जिले में हुआ आगमन। पोटका क्षेत्र के हाता दुर्गा मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री का 11 बजे सरायकेला की पावन धरती पर हुआ आगमन। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। उन्होंने कहा, ये डबल इंजन की सरकार से जनता को कितना फायदा हो रहा है ये जनता भली भांति जानती है। पूजा मैदान में शक्ति की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा की विजयादशमी के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार जो 5 वर्ष में जो आपने 2014 में जनादेश दी थी, एक स्थिर सरकार और एक मजबूत सरकार, इन 5 वर्षों में राज्य में जो विकास के काम हुए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोकतंत्र में जो जनता मालिक होता, तो जनता को हम हिसाब किताब देने, रिपोर्ट कार्ड देने इस ज्वार जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आपके बीच उपस्थित है। साथ ही उन्होंने सोरेन परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि सोरेन सरकार ने अपनी ही जाति को बहलाने फुसलाने का और ठगने का काम किया है। उन्होंने लोगों को ठगा है। ये गोला का रहने वाला सोरेन परिवार, चाहे वो संथाल परगना में, साहेबगंज हो, पाकुड़ में हो, दुमका में हो, बोकारो हो, धनबाद हो, देवघर हो, करोड़ों रुपए का करोड़ों एकड़ जमीन आदिवासियों का औने पौने दाम में खरीदने का काम किया। इसलिए मैं आदिवासी नौजवान नवोदय आदिवासी समाज से अपील करना चाहते हूँ, ये जो छद्म नेता आपके आदिवासी के बने हुए, इनके चरित्र को समझो कि किस प्रकार आपके नाम पर अपने तो अमीर हुआ, गरीब आदिवासी को और गरीब बनाने का काम किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। न्यूज़लेंस के लिए सरायकेला के राजनगर से रविकांत गोप की रिपोर्ट। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है